डुमरी टोल प्लाजा पर 2 दिन पहले बंदूक की नोक पर शराब के लिए मांगे गए पैसे कर्मचारी ने पैसे नहीं दिए तो उसके साथ में मारपीट की गए। कल शाम को दबंगों के द्वारा शराब के लिए पैसे फिर मांगे गए, नहीं देने पर 3 हवाई फायर किए। दरअसल मामला भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टोल प्लाजा का है, जहां लगातार दबंगों के द्वारा 3 दिन से टोल कर्मचारियों के साथ बंदूक की नोक पर शराब के लिए पैसे मांगे जा रहे थे। कर्मचारी ने पैसे नहीं दिए तो दबंगों ने आसमान में फायर किए। ये घटना बीती रात की है। आरोपी पर टोल से संबंधित पूर्व में भी 3 मामले पंजीबद्ध हैं। आरोपियों के पास से 315 बोर बंदूक, एक कार जो कि बिना नंबर की, दबंगों ने टोल के 3 से 4 चक्कर गाड़ी से तेज स्पीड से लगाए। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने के पहले आरोपी मौके से फरार हो गए। उमरी पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। उमरी थाना पुलिस के मुताबिक रात्रि करीब 3:30 बजे अकूड़ा का रहने वाला गोलू पुत्र सुदीप सिंह यादव अपने अन्य 3 साथियों के साथ उमरी टोल प्लाजा पर पहुंचा। यहां आरोपियों ने टोल कर्मियों पर टेरर दिखाते हुए शराब के लिए पैसे वसूली करने चाहे। जब टोल कर्मियों द्वारा पैसे देने से इनकार किया तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। इस बार टोल कर्मी व आरोपियों में बहस भी हुई। आरोपियों द्वारा इस समय धमकाते हुए मारपीट के और हवाई फायर ठोकते हुए मौके से भाग निकले। इस बात की सूचना उमरी थाना पुलिस को लगी। घटना के करीब 30 मिनट बाद उमरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक आरोपी मौके से भाग निकले। पुलिस ने टोल कर्मी अजय सिंह राजावत निवासी भिंड की शिकायत पर गोली यादव समेत अन्य 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। टोल प्लाजा को कई दिनों से दबंगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा था। मौका देखते ही दबंगों ने कल दिनांक को किया हवाई फायर और मौके से फरार भी हो गए। मतलब 2 दिन पहले भी घटना हुई है हमारे टोल पे। कुछ बंदूक वाले 3 लोग 4 लोग आए हैं, CCTV में उनकी फुटेज है सारी। वो धमका के गए थे कि मतलब टोल पे कैसे मामले में मांग रहे थे इधर लड़कों से। और कल की रात की 7:30 बजे घटना है कि 4 से 5 लोग आए, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, और वहाँ लड़के से बहसबाजी हुई है, थोड़ा उससे उल्टा सीधा बोला है, गाली गलौज की है, उसके बाद 4-5 फायर दिए और जान से मारने की नियत से ही घूम रहे हैं भाई साहब। आज से मतलब 2-3 साल पहले भी यहाँ वारदात हो चुकी है इन्हीं के द्वारा, इन्हीं लड़कों के द्वारा। तो बार बार ये टोल पर आके लड़कों को धमकाना और गाड़ियाँ फ्री निकलवाना जबरदस्ती की, काफ़ी ट्रैक्टर फ्री निकलवाने की कोशिश, ये सब ये चलता रहता है भाई साहब। यहाँ आखिर ये ये कई लोकल के, ये भाई साहब अकोड़ा गाँव के हैं, यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, दहशत बनाते हैं, बाहर की कंपनी काम कर रही है यहाँ पे, तो उनको परेशान करके यहाँ से भगाने का प्रयास, और कुछ नहीं भाई साहब इससे ज़्यादा। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया? हाँ, मामला रात में इन्होंने FIR दर्ज की है, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई जो हम चाह रहे थे भैया, तो आप थोड़ा इसमें देखिए। और है मतलब ये आरोपी कौन-कौन? ये है क्या कहते हैं, गोलू यादव नाम है और ये कोड़े गांव के हैं। इस पर काफ़ी केस भी हैं भैया, बंदूक लेके दिन रात दिन घूमना, वो यहाँ ऐसा रहता ही, फायर वायर वो करते रहते हैं। क्या नाम है आपका और क्या पता? मैं ब्रजगोपाल यादव, और ASMLT सर्विस की तरफ से टोल मैनेजमेंट पूरा हमारे पास ही है इसका। ये कल दिनांक की घटना है। उमरी टोल प्लाजा पर एक ज्ञात एवं उसके साथ 3 अज्ञात व्यक्ति कार से आ करके वहां पर टोल प्लाजा पर अवैध रूप से दारू शराब के सेवन के लिए उनने पैसा मांगा और न देने पर वहां पर फायर किया उनने, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है 1 ज्ञात और 3 अज्ञात आरोपियों पर। जी हाँ, उसमें से जो 1 ज्ञात आरोपी है इस पर पूर्व में भी अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, इससे पहले भी उसने अपराधों में शामिल रहा है, और आरोपी को अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, जल्दी गिरफ्तार करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।